लवली व्यूअर्स, शीन एंटरटेनमेंट हब में आपका स्वागत है और आपकी दोस्त शीन आ चुकी है आज फिर एक नई जगह और एक नई वीडियो के साथ। आज का ये हमारा सफर शिलोंग के फेमस टूरिस्ट प्लेस एलिफेंट वाटरफॉल के लिए है। तो चलिए मेरे साथ और जानिए एलिफेंट फॉल के बारे में, ये कहाँ है, यहाँ पर कैसे जाना है और यहाँ की ट्रिप करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आप यहाँ की एक अच्छी ट्रिप प्लान कर पाए। तो लेट्स गो टू नो अबाउट एलिफेंट वाटरफॉल। अभी हम पहुंच चुके हैं शिलोंग पीक और शिलोंग पीक से अगर एलिफेंट फॉल के डिस्टेंस की बात करें तो अराउंड 8 किलोमीटर की डिस्टेंस यहां से रह गई है, जिसको हमें कवर करने में अराउंड 15 मिनट्स लगेंगे। अगर आप पुलिस बाजार शिलोंग सिटी से आते हैं तो इसकी जो डिस्टेंस है वो आपको 12 किलोमीटर कवर करनी होगी, जिसको कवर करने में अराउंड 45 मिनट्स लगेंगे। गुवाहाटी से यहाँ तक आने की जो डिस्टेंस है वो 106 किलोमीटर है, जिसको कवर करने में 3 आवर्स का टाइम लगेगा। ये लीजिए, आपसे बातें करते करते हम पहुंच चुके हैं एलिफेंट फॉल के एंट्री गेट पर। यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको चेक पोस्ट से गुजरना है। ये देखिए, ये चेक पॉइंट है यहाँ का। ये हम पहुंच चुके हैं पार्किंग एरिया में। काफी स्पेशियस दिखता है ये यहाँ पर, तो आप यहाँ पर अपने पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हैं। पार्किंग एरिया के पास में ही बच्चों के लिए भी एक छोटा सा पार्क बनाया हुआ है। इस पार्क में बहुत सारे झूले दिए गए हैं, इसके अलावा यहाँ पर एसेंशियल फैसिलिटीज भी दी गई हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको बहुत सारी शॉप दिखाई देंगी यहाँ पर। इनमें बहुत सारी यहाँ की ट्रेडिशनल थिंग्स हैं जो कि आप परचेज कर सकते हो। Thank you.
खासी अटायर्स पहनकर भी आप अपनी फोटोग्राफी करा सकते हैं। यहाँ पर एंट्री फी काउंटर है और यहाँ पर आपको 100 रुपीज पे करना है पर पर्सन। शिलोंग में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, उन्हीं टूरिस्ट प्लेस में से एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है ये एलिफेंट वाटरफॉल। और ये वाटरफॉल 3 लेयर्स में है, 3 स्टेप लेयर फॉल कहलाता है। यहाँ पर देखिए एक बोर्ड दिखाई दे रहा है, इस बोर्ड पर लिखा है बाय एलिफेंटास फॉल। क्यों इस फॉल को एलिफेंट फॉल कहते हैं, इससे जुड़ी एक छोटी सी स्टोरी है। और वो स्टोरी ये है कि एक ब्रिटिश ऑफिसर थे जो कि यहाँ पर विजिट करने आए थे, और जब वो विजिट कर रहे थे तो उनको यहाँ पर एक पत्थर दिखाई दिया, रॉक दिखाई दिया, जो कि बिल्कुल ही एलिफेंट की शेप में था। बस उसी के नाम पर यहाँ पर एलिफेंट फॉल पड़ गया। हालांकि वो पत्थर इस टाइम यहाँ पर नहीं है क्योंकि अर्थक्वेक में वो पत्थर यहाँ से डिस्ट्रॉय हो गया था। इस समय जहाँ पर हम खड़े हैं ये वाटरफॉल का फर्स्ट लेवल है। जैसा कि थोड़ी देर मैंने पहले बताया था कि एलिफेंट फॉल 3 लेयर्स में है, और फर्स्ट लेयर जो आपको दिखाई दे रही है वो ये है। देखिए यहाँ पर पहला वाटरफॉल मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारा फर्स्ट लेयर वाटरफॉल, और ये जो वाटरफॉल है ये चारों तरफ से काफ़ी घने पेड़ों से घिरा हुआ है। ये वाटरफॉल काफ़ी ब्रॉड एरिया में फैला हुआ है। फर्स्ट फॉल्स हम देख चुके हैं, अब चलते हैं सेकंड फॉल्स की तरफ। जब तक हम सेकंड वाटरफॉल की तरफ पहुंचते हैं तब तक आपको कुछ ज़रूरी बातें बताते हैं जो कि इस विजिट पर आते समय आपको ध्यान रखनी है। भी आप यहां की विजिट प्लान करें तो इस बात का ध्यान रखें कि यहां पर आते समय आपको बहुत ही कंफर्टेबल क्लोथ्स एंड स्पोर्ट शूज़ वेयर करने हैं, क्योंकि यहां पर काफ़ी सारी स्टेयर्स हैं जो कि काफ़ी हाइट पर बनी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई खाने की व्यवस्था नहीं है, तो उसकी व्यवस्था आपको घर से ही करके लानी होगी। ये एक अच्छा पिकनिक स्पॉट है। और आगे क्या क्या दिखने वाला है आपको इस वाटरफॉल में, तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए आइए मेरे साथ और देखते हैं अभी हम सेकंड वाटरफॉल। ये है सेकंड वाटरफॉल, और इस वाटरफॉल में इस टाइम पे ज़्यादा वाटर लेवल नहीं है। अपने विजिट के आधार पर मैं आपको कह सकती हूँ कि आप जब कभी भी यहाँ विजिट करना चाहें तो आप अपनी विजिट मानसून के तुरंत बाद के मंथ में बनाएं, जिस टाइम पर यहाँ पर वाटर फ्लो पूरे फुल वे में होता है, और उस टाइम इस वाटरफॉल का जो व्यू होता है वो बहुत ही सुंदर होता है। ये जो सेकंड वाटरफॉल आप देख रहे हैं, इस वाटरफॉल में आपको केवल एक पतली सी वाटर की लेयर्स दिखाई देंगी।
तो हमारा सेकंड वाटरफॉल भी कंप्लीट हो चुका है और अब हम अपने थर्ड वाटरफॉल की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड लेवल की तरफ चलते हुए कई सारे पॉइंट्स ऐसे दिखेंगे जहां पर आप अपनी सेल्फी खींच सकते हैं और कुछ मेमोरेबल फोटोज क्लिक कर सकते हैं। तो ये है हमारा थर्ड लेवल और यहाँ से गिरता हुआ झरना बहुत ही सुंदर लगता है। सबसे सुंदर अगर तीनों लेवल में बोले तो सबसे सुंदर लेवल थर्ड लेवल ही है। तो ये है थर्ड लेवल के चारों तरफ का व्यू और जो आपको इसके सामने से दिखाई दे रहा है ये भी एक पॉइंट है जहाँ पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं। ये एक एम्यूजमेंट पार्क है इसी के नियर बाय। चलिए अब आपको चारों तरफ से इसका एक बार व्यू दिखाते हैं, तब तक हम भी सेल्फी और फोटोज खींच लेते हैं अपनी मेमोरी के लिए। All I want.
तो फ्रेंड्स आज हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है एलिफेंट फॉल की ट्रिप। और ये ट्रिप आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ के साथ मेरी इस वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और जल्द ही एक नई जगह रोमांचक और मज़ेदार ट्रिप के साथ मैं दोबारा जल्दी आपसे मिलूँगी इस वादे के साथ। आज के लिए बाय बाय टाटा। और इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।